अपनी पढ़ाई करते हुए स्कूल की छत का नहीं भरोसा कब गिर जाए बच्चों पर, स्कूल की छत को आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे लेंटर लटक गया है और जर्जर हो चली है। इतना ही नहीं, स्कूल की चार दीवारी व स्कूल का ग्राउंड कैसे तालाब बना हुआ है। अगर बात करें शौचालय की तो शौचालय में भी गंदगी अंटी पड़ी है। ये हाल है पिहोवा ब्लॉक के गाँव भैंसी माजरा के स्कूल का। इस बारे में जब शिक्षकों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमने इस बारे में सरकार को लिखा हुआ है, और जब चार दीवारी के बारे में बात की गई तो शिक्षक ने गोलमोल करना शुरू कर दिया। गांव के ही एक फौजी राजकुमार ने बताया कि ग्रांट तो मंजूर हो चुकी है, लेकिन कहानी यह है कि हमारा विधायक इनेलो से था, इसलिए गाँव के स्कूल को अनदेखा किया जा रहा है। विद्यालय में खामियां ही खामियां नजर आती हैं। समाज सेवी राहुल कुमार बोले, यहां के स्कूल का बुरा हाल है, दीवारें टूटी पड़ी हैं, शौचालय की हालत खस्ता है, वहीं टूटी दीवारों के कारण भी बच्चों को चोटें लगी हैं। ट्यूबवेल खराब था जिसे ग्रामीणों ने ही ठीक करवाया है। एक प्राइवेट टीचर ग्रामीणों द्वारा लगवाई गई है। यहाँ के पंखे, फ्रीजर, इन्वर्टर भी ग्रामीणों द्वारा ठीक करवाए जाते हैं। सरकार और प्रशासन गांव भैंसी माजरा के स्कूल को अनदेखा कर रही है। स्कूल की जो ग्राउंड है उसमें पानी भरा हुआ है ना आपके? अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है पानी खड़ा है इसमें? क्या नाम है आपका? जर्जर है। दो कमरे जर्जर में, बाउंड्री छोटी है, गिरी हुई है, बस उसमें से पशु आ जाते हैं। और ये जैसे आपके ग्राउंड के बारे में हमने वो लिख के दे दिया, जैसे ग्राउंड है, पानी ग्राउंड है, ग्राउंड के बारे में हमने सरपंच से कह रखा है, बाकी ये भी काम हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। नाम सर? जो बच्चे बाहर से आए तो फिर उनके बारे में तो कह नहीं सकते जी, जो हमारे बच्चे, हम तो उनको पूरी मेहनत करा रहे हैं, काम करा रहे हैं, ऐसी कोई बात। अच्छा अच्छा, प्राइवेट स्कूल से आए हैं तो फिर तो सर ये तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि स्कूल की हालत जर्जर तो है। देखो पानी का भी हमने चेक कराया, कुछ दिन पहले ही टेबल ठीक करवाया, टीचरों ने करवाया, मिलके गांव के लोगों ने करवाया। नहीं, हमने खुद पैसे दिए हैं। हाँ, वो पैसे इकट्ठे किए हैं। हाँ, उसके बाद ही हमने काम कराया। तो कहीं ना कहीं सरकार का तो सहयोग नहीं मिल रहा है आपको हिसाब से? जैसे अब कमरे बनेंगे, बाउंड्री बनेंगे, तो उसमें तो सरकार का सहयोग मिलेगा ही। राम स्वरूप है, मैं रिटायर फौजी हूँ, मैं काफी दिन से देख रहा हूँ ग्रांट यहाँ से। गवर्नमेंट तो बोल देती है हमने फलाना ग्रांट भेज दिया स्कूल के लिए, यहाँ मिनती भी हो चुकी है, पर इसका कोई पैसा अभी तक नहीं आया। मेले जो था हमारा वो पोजिट पार्टी का था, यानी ऐसा जी। मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं भैंसी माजरा गांव का रहने वाला हूँ। ये जो हमारे गांव का सरकारी स्कूल है, इसकी हालत तो बहुत ही जर्जर हुई पड़ी है। जो साइड की दीवारें हैं, पीछे की दीवारें हैं, सब टूटी पड़ी हैं। बच्चे आते हैं तो दीवारों से खो जाते हैं, और टीचर्स कहते हैं कि हम बालकों के ए रहे हैं, उनको पढ़ाएं, जब दीवार ही नहीं है। और दूसरी बात रही, आप ये देख सकते हो इधर ये पार्क पूरा कुछ नहीं है, मतलब गंदगी ही है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा घास उगा पड़ा है। और आपने टॉयलेट तो देख ही लिया है स्कूल का, पानी की भी थोड़ी अभी अच्छी व्यवस्था हुई है। तो हम तो सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे गांव के स्कूल को अच्छा और सुव्यवस्थित बनाए। और जो ये सफाई का ढिंढोरा पीटती रहती है सरकार, कहाँ है सफाई? हमारे स्कूल में तो कुछ भी नहीं है। वो ऐसा नहीं है, ये बहुत से कई सालों से 2005 से ही, मतलब ये दीवार दीवार का एस्टिमेट गया हुआ, अब तक बनी ही नहीं है। ये बताओ वो बच्चे क्या करेंगे अब? शाम को बच्चे और जानवर इधर कूद जाते हैं खेलने के लिए, बच्चे ने अपनी वाजिब चढ़वा ली। तो यहाँ के बच्चों का शिक्षा देखा, हमने कुछ पूछा है सरपंच कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, वो भी नहीं बता पाए। सर पढ़ाई में थोड़ा वीक है बच्चे, कुछ टीचर यहाँ पे बैठ के फेसबुक चलाते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप चलाते हैं, हमने लाइव इसको देखा है और मैंने प्रूफ भी किया है लाइव, और उन्होंने मेरे साथ बोला है कि आगे से गलती नहीं करेंगे। और हमने एक प्राइवेट टीचर लगा रखी है, इनकी एक डिमांड थी कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो हमने एक युवा संगठन ने एक प्राइवेट टीचर यहाँ पे अपने पल्ले से लगा रखी है, जिसको हर महीने हम उनको सैलरी देते हैं, और वो छोटे मोटे काम जैसे पंखा खराब हो गया वो ठीक करना हम खुद ही ठीक करते हैं, और इन्वर्टर में कोई दिक्कत आ जाती है वो भी ठीक करते हैं, और पानी की टंकियाँ हमने साफ की हैं, और वाटर कूलर जो कई साल से खराब पड़ा था उसने भी हमने ठीक करवाया है, और एक पानी का वो था समर्सिबल था वो भी हमने ठीक करवाया है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजय कुमार है। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।